चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। तो ये इश्क की आवाज का कमाल है कि विकास बोखल इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आपसे कर रहे थे और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी। आइए इस फहरिस्त में आगे बढ़ता हूं और अपनी फहरिस्त के एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर, जिन्हें बारहा आपने मुशायरों में बहुत पसंद किया है, जनाब तनवीर अख्तर को आवाज दे रहा हूं। तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत गजल के साथ इस मुशायरे के गजल के दौर में आगे बढ़े और मुशायरे को मोहब्बतों के साथ कामयाबी की मंजिलों की तरफ लेकर चलें। जनाब तनवीर अख्तर माइक। हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अराकीन कमेटी को मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, इतनी खूबसूरत उन्होंने महफिल सजाई है। और शुक्रिया अदा करता हूं फैजान भाई का, रिहान साहब का, मेरे बड़े भाई मन्नू साहब तशरीफ रखते हैं और सदर मोहतरम इजाजत देते हैं जियाउर रहमान साहब साबिक चेयरमैन यहां तशरीफ रखते हैं कि इजाजत देते हैं। सीधे सीधे चार मिसरे से अपने शेरी सफर का आगाज इरशाद। नदीम सर, आपको मैं भाई नहीं कह सकता, आप मेरे वालिद मोहतरम के उम्र के बराबर हैं। नहीं नहीं, मेरे सफेद दाढ़ी से आप मेरी उम्र का अंदाजा न लगाएं। ये तो मैंने बड़े पैसे खर्च करके दाढ़ी को सफेद कराया है। आपकी मोहब्बत मैं समेटना चाहता हूँ। एक बार पूरा मजमा तालियां बजा के इजाजत दे दे, जो मोहब्बत आप मुझे देते हैं वही चाहिए। पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक दोबारा तालियां बजा के इजाजत दे दे तनवीर अख्तर को। मैं पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि सितमगर ने चमन को जंग का मैदान लिखा है। सितमगर सितमगर ने चमन को जंग का मैदान लिखा है, तो हमने भी गुलों को फतेह का सामान लिखा है, तो हमने भी गुलों को फतेह का सामान लिखा है। हमारा सर कहीं पे शर्म से उठता नहीं अख्तर, हमारा सर कहीं पे शर्म से उठता नहीं अख्तर, क्यों कि हमारे घर के दरवाजे पे हिंदुस्तान लिखा है। वाह 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 वाह। हमारे घर के दरवाजे पे हिंदुस्तान लिखा है। आज बड़े लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कुछ अच्छी शायरी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। पेश करता हूँ बार एलडाइज आप बेदा तालियां पढ़े पढ़े तमिल वाह। मैं पेश करता हूँ सुनिए भाई। पेश करता हूँ कि सुना है बहुत मुख्तसर बोलते हैं। सुनिए भाई अच्छी गजल वाह वाह वाह। कि सुना है बहुत मुख्तसर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, विरासत में पाई हो जैसे ज़बाँ, विरासत में पाई है जैसे ज़बाँ को, विरासत में पाई है जैसे ज़बाँ को, वो उर्दू बहुत बा असर बोलते हैं।
वाह वाह कि वो उर्दू बहुत बा असर बोलते हैं, वो उर्दू बहुत बा असर बोलते हैं। कोई तमहीद नहीं, कोई गुफ्तगु नहीं, शेर हासिल करता हूं, अता करें भाई। वाह वाह नदीम सर जी जी कि मुनाफिके हैं शायद हमारी सफों में। इस शेर पर जुड़ जाइए, कसम से अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा। पेश करता हूँ, गाइस को भी शरीक करता हूँ, सुनिएगा। कि मुनाफिके मुनाफिके हैं शायद हमारी सफों में, मुनाफिके हैं शायद हमारी सफों में, मुनाफिके हैं शायद हमारी सफों में। इधर सुनने के बातें उधर बोलते हैं। वाह 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 इधर सुनने के बातें उधर बोलते हैं। शायद हमारी सफों में, मुनाफिके है शायद हमारी सफों में। इधर सुनने के बातें उधर बोलते हैं। एक शेर में सदर मोहतरम की नजर इरशाद इरशाद सुने अहले कस्बा जैदपुर कि सियासत में कर तब दिखाए जो तूने। क्या कहना वाह 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 सुनिएगा फैजान भाई कि सियासत में कर तब दिखाए जो तूने, सियासत में कर तब दिखाए जो तूने, सियासत में कर तब दिखाए जो तूने। तुझे सब यहाँ जा तू कर बोलते हैं, तुझे सब तू कर बोलते हैं। अगले स्टेज और ये शेर हासिल करता हूँ, बतरे खास मुलाहिज़ा करें कि मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, मोहब्बत मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को, मोहब्बत मिलेगी यहाँ पर सभी को। ये गाँव में मिट्टी के घर बोलते हैं। वाह मिट्टी के घर बोलते हैं। इरशाद इरशाद सुनिएगा, इसके बाद मैं कुछ नौजवानों की बातें करूंगा। अब तक पेश करता हूँ मक्ते का शेर कि जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर। क्या कहना बात राजा करें कि जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर, जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर, जिन्हें हमने चलना सिखाया है अख्तर। मिलाकर वो हमसे नजर बोलते हैं, मिलाकर वो हमसे नजर बोलते हैं। आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। सर मैं बारह आता हूँ, मुझे पता है यहाँ के लोग क्या सुनना पसंद करते हैं। आइए अब मैं नौजवानों की बात यहाँ से शुरू करता हूँ। सुनेंगे तो तालियां बजा के इजाजत दें, फिर मैं आपके मतलब की बात करूँ। मतलब हाजिर करता हूँ, एक बार रफीक भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें। माशाल्लाह इतना खूबसूरत इनका साउंड चल रहा है। अल्लाह के कारोबार में बरकत अदा फरमाए। दोस्तों पेश करता हूँ मुलाजा करे कि सुनो जाने जाना जाना। सुनिएगा पेश करता
करें कि सुनो जाने जाना जाना गजब लग रही हो, हंसी लग रही हो, कवल लग रही हो। सुनो जाने जाना जाना, सुनो जाने जाना, गजब लग रही हो, हंसी लग रही हो, कवल लग रही हो। सुनो जाने जाना, सुनो जाने जाना, गजब लग रही हो, हंसी लग रही हो, कवल लग रही हो, कवल लग रही हो। अदाए कयामते निगाहें शराबी मुकम्मल हमारी गजल लग रही हो, गजल लग रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक नए अंदाज में एक खूबसूरत गजल आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पेश करता हूं दोस्तों, मुलाजा करें, एक मतलब दो शेर हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कुछ नहीं मुझको पता था वो में आता कौन है, कुछ नहीं मुझको पता था वो में आता कौन है, कुछ नहीं मुझको पता था वो, कि कुछ नहीं मुझको पता था वो में आता कौन है, कि जा मैं अपनी आँख से या फिर पिलाता कौन है, जा मैं अपनी आँख से। मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि इश्क की महफिल सजी है, चल जरा अख्तर वहां, इश्क की महफिल सजी है, इश्क की महफिल सजी है, इश्क की महफिल सजी है, चल जरा अख्तर देखना है, देखना है हाल दिल अपना, सुनाता कौन है, कि देखना है हाल दिल अपना। बहुत बहुत।